तो फरिश्ते में मेरा पागल का रोल आज देखिए, एक और मेरे बड़े भाई पागल का रोल किए हैं। तो अच्छा लगता है कि चलिए धीरे धीरे चीज़ें ग्रोथ हो रही है, कि आपको ही देखकर अगर कोई कुछ कर रहा है तो अच्छी बातें हैं। हम सबको देख के एक दूसरे को फॉलो करना चाहिए। आज बड़े भाई ने भी एक पागल का, मैंने उनका पोस्टर देखा तो अच्छा लगा मुझे कि चलो कम से कम देख के ही कुछ बेहतर करने की कोशिश हमारी इंडस्ट्री कर रही है, तो अच्छी बात है, हम सबको करना चाहिए। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अब आपको रेगुलर गाने मिलते रहेंगे। अब मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि आप लोग एक बार बोलिए, लेकिन आज बहुत सारे कुछ फ़ैन मेरे जो बेचारे दुखी होकर फ़ोन किए कि नहीं भैया अब आपको रेगुलर गाना छोड़ना चाहिए, हर दो तीन दिन पे गाना। तो मैं एक बार जगा ना भाई, तो आपको तो पता ही है मैं पागलों की तरह मेहनत आज भी करता हूँ, कल भी करता हूँ और आजीवन करता रहूँगा जब तक शरीर में जान रहेगी पगले। और एकदम लगा ही नहीं पौला एगो तो पी के खुश बानी नहले पके जल राजा जी। एक्चुअली हम थोड़ी सी बहुत सोबर गाना गाना शुरू कर दिए हैं और सबको गाना चाहिए, और आप लोग प्यार दीजिए ताकि अच्छे अच्छे गाने सब लोग गाएं। और थोड़ा सा हम लोग घंघरा चोली ढोड़ी से हट के कुछ बेहतर करें तो ज़्यादा बेहतर हम सबके लिए है, भाषा के लिए भी। तो कोशिश है हमारी हम सब की। और हम फेसबुक पे दिनेश यादव बीडीसी खेसारी लाल यादव का ये लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें दोस्तों खेसारी लाल यादव ये कहते हुए नज़र आ रही है कि उनकी फरिश्ता मूवी की जो पागल का रोल उन्होंने किया है उनका कॉपी की है पॉलिस्टर पवन सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव ने ये खुद बताते हुए नज़र आ रही है। तो आप लोग खुद सोचिए दोस्तों, पॉलिस्टर पवन सिंह का वो लास्ट मतलब शूटिंग था जिसके लिए पॉलिस्टर पवन सिंह ने वो लुक लिया हुआ था, तो इसलिए दोस्तों कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए। खेसारी लाल यादव ने जो कुछ कहा है उसमें दोस्तों कोई भी सच्चाई नहीं है। पॉलिस्टर पवन सिंह ने किसी की कॉपी नहीं की है, उनकी कॉपी नहीं की है। तो खेसारी लाल यादव को इस बात को कम समझाए भाई, खेसारी लाल यादव को खुद विवाद में पड़ना है। तो आप लोग इस पर क्या कहना चाहोगे, आप लोगों का राय हमें कमेंट में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें बताना ज़रूर।